हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक कपिल आपका सरस्वती बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। हम लोग कर रहे थे प्रश्नावली नंबर 11.2, जिसमें हमने अब तक दो क्वेश्चन कर लिए हैं, हम करेंगे तीसरा। इसमें देखता है कि समलंब आकार का एक खेत है जिसकी भुजा बी सी 48 सेंटीमीटर है, जबकि डी सी जो है वो 17 मीटर है और ए डी की लंबाई दे रही है आपको 40 मीटर, जबकि इस पूरे खेत की जो बाड़ की कुल लंबाई है वो है 120 मीटर, यानी आपको दे रखा है इसका परिमाप दे रखा है, तीन भुजाएं दे रखी हैं और आपको लास्ट में क्या ज्ञात करना है, इस खेत का क्षेत्रफल। तो किस प्रकार से करेंगे, लिखेंगे समलंब आकार के खेत का परिमाप, ये दिया आपको 120 मीटर। परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योगफल, इट मीन ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए 120 मीटर। जैसे जैसे माप देखिए वैसे लिख देंगे, ए बी प्लस 40 मीटर प्लस 17 मीटर प्लस 120 मीटर, ए बी प्लस 105, इस सदी का समय आएगा 105 मीटर, 120 मीटर इक्वल में ए बी 120 में इसका पक्षांतरण करेंगे उस तरफ जाके ये 120 में से 105 माइनस हो जाएगा और आपका ए बी जो है वो आ जाएगी 15 मीटर। अब जो ये ए डी है, ये जो समांतर दो भुजाएं दे रखी हैं आपकी, ए डी समांतर है बी सी के, ए डी समांतर बी सी तथा ए बी लंब है ए डी पर बी सी पर। तो हमारे पास में ये लंब दिया हुआ है, अब हम ज्ञात करेंगे इसका क्षेत्रफल। समलंबाकार खेत का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा में उनके बीच की दूरी वर्ग इकाई 1/2। समांतर भुजा है एडी प्लस बीसी, अब उनके बीच की जो दूरी है वो लंबा दूरी है वो है हमारी ए बी, जो कि हमने अभी ज्ञात की थी 15 मीटर, तो ये हो जाएगी ए बी। अब इसकी वैल्यू को करेंगे 1/2 40 प्लस 48 मल्टीप्लाई 15 मीटर स्क्वेयर। अब इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे, 1/2 इन दोनों का सम आएगा 88 मल्टीप्लाई 15 मीटर स्क्वेयर, इसे हम कट करेंगे तो ये 44 आएगा, मल्टीप्लाई करने पर 660 मीटर स्क्वेयर। तो इस प्रकार से इस समलंबाकार खेत का जो क्षेत्रफल है वो आ गया हमारा 660 मीटर स्क्वेयर। अब हम करें क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया हुआ एक चतुर्भुज आकार का खेत है जिसके विकर्ण की लंबाई है 24 मीटर तथा इसके सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंब 13 मीटर और 8 मीटर के हैं। हमने इसको मान लिया है ए बी सी डी एक चतुर्भुज आकार का एक खेत है जिसमें जो विकर्ण है ए सी उसकी लंबाई है 24 मीटर तथा सम्मुख शीर्ष डी और बी से इस ए सी पर डाले गए लंब डी ई जिसकी लंबाई 13 मीटर है और बी एफ जिसकी लंबाई 8 मीटर है, इसके आधार पर हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे चतुर्भुजाकार
खेत का विकर्ण बराबर केसी, इसकी लंबाई है आपके पास में 24 मीटर। सम्मुख शीशों से डाले गए लंब आपके पास में है DE व EF, जो कि क्रमशः है 13 मीटर व 8 मीटर। तो चतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल, अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम इसे दो भागों में बांटेंगे। एक ऊपर का त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, और दूसरा त्रिभुज है ABC। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। तो आधार इसका होगा विकर्ण AC, और जो ऊंचाई होगी वो होगी इसका लंब। तो ABC के अंदर जो लंब है DE, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। इसी प्रकार से त्रिभुज ABC में जो कि नीचे वाला है, इसमें 1/2 इसका आधार और इसका विकर्ण होगा यानी कि AC, और जो इसकी ऊंचाई होगी वो होगी हमारी BF वर्ग इकाई। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, 1/2 24 मल्टीप्लाई 13 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 8, कट करेंगे 12 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 प्लस 12 को 8 से करेंगे तो 96 मीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 252 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड करना है, एक ऊपर वाला त्रिभुज और एक नीचे वाला त्रिभुज। इन दोनों का एरिया फाइंड आउट करके हम इन दोनों को जब प्लस कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 252 मीटर स्क्वायर। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दे रखा है आपको एक समचतुर्भुज है जिसके दो विकर्ण दिए हुए हैं, जिनकी लंबाई क्रमशः 7.5 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसको करेंगे इस प्रकार से, सबसे पहले जो चीज गिवन है उसको लिखेंगे, समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर 7.5 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर। अब जो हमें ज्ञात करना है वो लिखेंगे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज के लिए क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 ब्रैकेट में विकर्णों का गुणनफल, 1/2 विकर्णों का गुणनफल, 1/2 जो भी क्षेत्रफल होगा उसके लास्ट में क्या लिखेंगे हम, वर्ग इकाई। इकाई जो दे रखी हो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लिखेंगे, और मीटर में है तो मीटर में लिखेंगे। 7.5 मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर, इसको कट करेंगे 6 तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको डायरेक्ट ही वैल्यू पुट करने वाला है। आपको दोनों विकर्ण दे रखे हैं 7.5 और 12 सेंटीमीटर, फॉर्मूले वैल्यू पुट करनी है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, यानी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके उसका हाफ करना है। तो आप आंसर आपका आ जाएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी एक भुजा समचतुर्भुज है, जिसकी एक भुजा दे रखी है 6 सेंटीमीटर तथा शीर्ष से डाला गया लंब यानी कि DE आपका 4 सेंटीमीटर है। एक विकर्ण दे रखा है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, और दूसरे विकर्ण की लंबाई आपको ज्ञात
करनी है। इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए, पहले तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है समचतुर्भुज ABCD का, और दूसरा इसमें जो दूसरा विकर्ण है वो ज्ञात करना है AC। हमने इसको मान लिया कि ABCD एक समचतुर्भुज है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और समचतुर्भुज की वर्ग की तरह सारी भुजाएं ही समान होती हैं। अब इसमें शीर्ष लंब है DE, ये शीर्ष लंब है DE, इसकी लंबाई आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और उसमें एक विकर्ण दे रखा है, विकर्ण हमने मान लिया DB जिसकी लंबाई उसने दे रखी है 8 सेंटीमीटर। दूसरा विकर्ण जो कि हमें ज्ञात करना है AC, तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे इसका क्षेत्रफल। इस प्रकार से करेंगे, समचतुर्भुज की भुजा इसकी लंबाई दे रखी है 6 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब आपको DE दे रखा है वो है 4 सेंटीमीटर। अब देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज भी एक चतुर्भुज ही है, तो इसको जो विकर्ण है समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी लर्न होगी सभी को कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसमें जो विकर्ण है ये उसको दो समान त्रिभुजों में विभाजित करता है, अर्थात जो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा, इन दोनों का क्षेत्रफल समान होगा। तो हम क्या करेंगे, 2 गुणा में त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, क्योंकि ये इसके 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा, तो पहला ये और दूसरा ये, तो जो पहले का क्षेत्रफल होगा उसके बराबर ही दूसरे का क्षेत्रफल होगा, इसलिए हमने 2 से इसके क्षेत्रफल को मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक पूरे चतुर्भुज का जिसका नाम समचतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 2 गुणा में 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, जो आधार है वो हमारा उसकी भुजा है यानी कि AB जिसकी वैल्यू 6 है, और इसका जो लंब है DE सेंटीमीटर स्क्वायर, अब वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6 × 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हमारा जो पहला क्वेश्चन था इसमें एक फर्स्ट पार्ट क्षेत्रफल ज्ञात करने का वो हमारे पास आ चुका है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, दूसरा विकर्ण, तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, इसकी वैल्यू है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि हमने अभी ज्ञात किया है। तो 1/2 पहला विकर्ण AC गुणा में BD बराबर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें ज्ञात क्या करना है, AC, तो 1/2 AC गुणा में इसकी वैल्यू है 8 बराबर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो AC 24/4 6 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। दूसरा विकर्ण हमने ज्ञात करना था तो उसकी वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे पूरा आ जाएगा इसका। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया हुआ है एक भवन का फर्श में समचतुर्भुज आकार की 3000 टाइलें लगी हुई हैं, जबकि इनमें से प्रत्येक टाइल के विकर्ण है 45 सेंटीमीटर व 30 सेंटीमीटर। तो 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श पर पॉलिश करवाने का कुल व्यय ज्ञात करना है। तो इसको करने का तरीका देखें, सबसे पहले हम एक टाइल की माप लिखेंगे, तो एक समचतुर्भुजाकार टाइल के विकर्ण बराबर है 45 सेंटीमीटर व 30 सेंटीमीटर। तो फर्श में
लगी 3000 टाइलों का क्षेत्रफल। तो 3000 बनामे एक टाइल का क्षेत्रफल, तो जो टाइल है वो समचतुर्भुज आकार की है, तो 3000 बनामे एक समचतुर्भुज आकार टाइल का क्षेत्रफल, तो 3000 बनामे एक बटे दो गुणा कर्णों का गुणनफल वर्ग इकाई। तो 3000 बनामे एक बटे दो बनामे 45 बनामे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर 15। तीन हजार गुणा में 45 गुणा में 15। अब हमें यहाँ पे जो क्षेत्रफल प्राप्त होगा वो होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, जबकि हमारे को पॉलिश करवाने की दर दी हुई है प्रति वर्ग मीटर की दर से, यानी हम सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। तो यदि सेंटीमीटर स्क्वायर है यानी क्षेत्रफल यदि वर्ग सेंटीमीटर में है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 × 100 से भाग दे देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो 0.3 × 45 × 15 मीटर स्क्वायर, और इसका आंसर आ जाएगा 202.5 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया क्षेत्रफल। अब हमें ज्ञात करनी है पॉलिश करवाने का कुल व्यय, तो लिखेंगे फर्श पर पॉलिश करवाने की दर, जो कि हमें दे रही है 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर। फर्श पर पॉलिश करवाने का कुल व्यय सूत्र रहेगा हमारा दर गुणा में क्षेत्रफल, जो दर है उसे हम जो हमारे पास क्षेत्रफल प्राप्त हुआ है उस क्षेत्रफल से गुणा करने के बाद हमारे पास उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो दर हमारी है 4 और क्षेत्रफल है हमारा 202.5, आंसर आएगा रुपए में, और आपका आंसर आ जाएगा 810 रुपए। तो इसमें हमने दोनों चीजें ज्ञात कर ली, सबसे पहले फर्श में लगी 3000 टाइलों का कुल क्षेत्रफल, और फिर इस क्षेत्रफल में पॉलिश करवाने का कुल व्यय जो कि 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से दे रखा है, दर दी हुई है, तो दर को क्षेत्रफल से गुणा करने पर हमें कुल व्यय की प्राप्ति हो जाएगी, तो जो कि हमें प्राप्त होगा 810 रुपए। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या हुआ है, मोहन एक समलंब आकार का खेत खरीदना चाहता है जिसके एक ओर नदी है तथा दूसरी ओर खेत के सड़क है। जो सड़क के साइड, सड़क और नदी एक दूसरे के समानांतर है, सड़क के साथ वाली भुजा जो नदी के साथ लगती हुई जो समलंब आकार का जो खेत है उसकी भुजा की दोगुनी है, तथा इस खेत के दोनों जो समांतर भुजाएं हैं उनके बीच की लंबा दूरी 100 मीटर है, और यदि इस खेत का क्षेत्रफल 10,500 वर्ग मीटर है, तो समांतर भुजाओं की बीच की जो लंबा दूरी है वो 100 मीटर हो, तो नदी के साथ वाली भुजाएं इस नीचे वाली भुजा को ज्ञात करना है। तो करने का तरीका देखें, माना समलंब आकार खेत की सड़क की भुजा की लंबाई बराबर x मीटर, समलंब खेत की सड़क की नदी की भुजा की लंबाई बराबर, क्योंकि ये दूरी है तो इसे 2x मान लेंगे। अब समलंबा कार खेत का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का
योग गुणा उनके बीच की दूरी वर्ग ठीक है। तो एक बटे दो इसकी जो समांतर भुजाएं हैं वो एक एक्स है और दूसरी दो एक्स, इन दोनों को जोड़ देंगे एक्स प्लस टू एक्स गुणा में दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी यानी कि जो हमें दे रखी है 100 मीटर, तो मीटर स्क्वायर इसको कट कर दिया 50, 3x मल्टीप्लाई 50 मीटर स्क्वायर, तो इसका आंसर आ गया 150x मीटर स्क्वायर। अभी हमारे पास आ गया समलंब आकार के खेत का क्षेत्रफल। अब हमें इसका क्या निकालना है, इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसे किस प्रकार से करेंगे, समलंब आकार के खेत का क्षेत्रफल। अब इसके खेत के क्षेत्रफल को हमें दे रखा है जिसका मान है 10,500 वर्ग मीटर। तो इसके वैल्यू है 10,500 वर्ग मीटर। और खेत का क्षेत्रफल पहला क्या है हमने निकाला, भुजा के आधार पर 150x मीटर स्क्वायर, और वास्तव में इसका मान है 10,500 वर्ग मीटर। तो इस जगह लिखेंगे हम 150x बराबर 10,500 वर्ग मीटर। तो x की वैल्यू निकालेंगे 10,500 बटे 150, तो x की वैल्यू आ गई 70 मीटर। ये है हमारी x जो कि है सड़क की साइड वाली भुजा। हमें ज्ञात करनी है नदी के साथ वाली भुजा, तो नदी की साइड भुजा के लिए ज्ञात करेंगे नदी के और की खेत की भुजा बराबर है 2x मीटर। x की वैल्यू हमने निकाली 70, तो x की वैल्यू x की जगह रख देंगे तो 2 मल्टीप्लाई 70 मीटर, तो आपका आंसर आ जाएगा 140 मीटर। तो इसको करने का तरीका यही है, आशा करता हूं कि आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू।